भारतीय रेलवे में नौकरी करने की इच्छा रखने वाली महिला उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। दरअसल केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि रेलवे में होने वाली 9000 से अधिक कांस्टेबलों और सब इंस्पेक्टर के पदों की भर्ती में महिलाओं को 50% पद दिए जाएंगे, यानी 50% पदों पर सिर्फ महिलाओं की भर्ती की जाएगी। ये महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर साबित होगा। सेंट्रल रेलवे ने विभिन्न विभागों के लिए बहुत वैकेंसी निकाली है। इस बार रेलवे ने 9000 के साथ आई है। बता दें कि इस बार रेलवे आरपीएफ के पदों के लिए महिलाओं को 50% तक का आरक्षण भी दिया है। दरअसल रेलवे सुरक्षा बल में महिलाओं की कमी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। शुक्रवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में ये ऐलान किया। गोयल ने बताया कि आरपीएफ में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के निर्देश पर मंत्रालय ने अगली भर्ती में आधे पदों पर महिलाओं की भर्ती करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि 8619 कांस्टेबलों और 1120 उप निरीक्षकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2018 में शुरू हो गई है। इनमें से 4216 कांस्टेबलों और 201 उप निरीक्षकों के पद पर महिलाओं की भर्ती की जाएगी। बता दें कि बिहार में प्रत्येक सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाता है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने भी रेलवे में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का फैसला किया। हालांकि इसका प्रावधान केंद्र सरकार में कहीं नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, PHBC न्यूज़।